जरूरी चीज़ फूड एंड वाटर के साथ साथ पीस की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि फाउंडेशन उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रही है. इट विल मेक ऑफ कोर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट लीडर एंड उनके जैसे महान लीडर एंड नाटो बोलो आप एनी वेयर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलो इट्स अ ह्यूज ही इज हिमसेल्फ अ पिलर and an international leader, the greatest Nelson Mandela. And from bachpan se hum sab padhte aaye hain, and his givings and his sacrifices and his torture which he went through. So it's been a great thing that Rajkumar ji aur sab aap log India mein aake itna acha aap log ne ek shuru kiya Nobel Peace Nelson Mandela ji ke naam se. And it will of course help because see a lot of, you know, we should come forward with his doings and all, and we should make the next generation and make some good causes, good things for him, you know, keeping his name in mind and respect. Ki technology khatam ho jayegi ek din, sahi baat, TV mobile sab chala jayega, lekin Bappi Da ke gaane amar hai, amar the amar rahenge. Wo hai hamare Bappi Da ka music hamare khoon khoon mein hai, rag rag mein hai. आज नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड के लिए सुनहरा दिन है, सुनहरा मौका है, क्योंकि उनकी ट्रिब्यूट के समय उनका घराना हमारे साथ है, रीमा दी हमारे साथ हैं. और ऐसे ही मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां भी हमारा प्रोग्राम होगा वो आइए, इस उपस्थिति में वो आए, यानी कि हम सोचेंगे Bappi Da आ गए हैं. वेलकम Bappi Da, मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ. उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आज हम उनको ट्रिब्यूट करते हैं. और इस साल का पहला मरणोत्तर पुरस्कार महाराष्ट्र का सबसे बड़ा ट्रिब्यूट आज नेल्सन मंडेला ने यहाँ पे दिया है. मैं दीदी का धन्यवाद करता हूँ जो आए. दीदी आशीर्वाद हमारे ऊपर रखे, आपके भाई ये छोटे हैं, बस थैंक यू सो मच. थैंक यू, धन्यवाद. नेल्सन मंडेला नोबल पीस फाउंडेशन को, उससे जुड़े हुए सभी लोगों को, आज जिन लोगों को सम्मान दिया गया फॉर देयर अचीवमेंट्स इन डाइवर्स फील्ड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओए झिंगे आवाज दे चाहिए, ऐसी मेरा स्टाइल है. नहीं, कोई सबसे पहले तो जो दिल को छू जाने वाला अवार्ड था, सबसे पहला अवार्ड उन महिलाओं को जिन्होंने दिन रात अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की सेवा की. किसी ने वृद्ध लोगों की सेवा कर रही हैं कि मतलब ख़त्म नहीं हुआ उनका ये प्रयास. आप कोई उन महिलाओं को ढेरों ढेरों सम्मान, और आई अप्लॉड द एफर्ट्स ऑफ नेल्सन मंडेला नोबल पीस फाउंडेशन फॉर ऑनरिंग राइट एट द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन दोज वंडरफुल those deserving ladies who have done so well, who are doing such wonderful work. So congratulations to all of you, to all of you for doing such fantastic thing. Rajkumar ji ne jo ye organize kiye ye awards logon ko felicitate karne ke liye, unke acche kamon ko pehchanne ke liye, ye bahut mahatvapurna hai aur ye hamare liye inspirational hai ki hum aage jaake aur bhi acha kaam kare. And I'm so proud कि Bappi Da ji को हम लोग ने याद किया ऐसे अब एक सुपर ओकेजन पे. उनकी बेटी की आंखों में आंसू थे, रो रही थी और कह रही थी कि काश मेरे यू नो फादर यहाँ होते, उनको इतनी खुशी मिलती. यू नो राजकुमार जी ने जो अच्छा किया है, हम लोग हमेशा अवार्ड्स में जो जिंदा हैं उनको देते हैं, लेकिन किसी लेजेंड को उनके गुजरने के बाद ऑनर करना, ये सबसे आज की खूबसूरत खूबसूरत मोमेंट थी. और राजकुमार जी खुद इतने हंसमुख है कि उन्होंने अवार्ड्स को की महफिल को बहुत ही अच्छा बना दिया. तो इट वाज अ प्लेजर टू बी हियर. मेरे लाइफ की पहली थिएटर मूवी थी गदर. देखने को नहीं मिलता था, इतना काम था जिंदगी में. पहली मूवी थिएटर में जाकर देखा गदर,
24 बार देखी है वाओ। और मैडम की अभी दूसरी मूवी गदर 2 आ रही है, आई एम सो एक्साइटेड। और मूवी आ जाने दीजिए, अगर हमारा कोई बड़ा फंक्शन हुआ तो एक छोटा सा प्री लॉन्च हम हमारे फंक्शन में एकदम मैडम के लिए रखेंगे। मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ, इतना बिजी शेड्यूल से आए हैं। मैडम जिंदगी भर हम आपके ऋणी रहेंगे, आपका उपकार है हमारे ऊपर आशीर्वाद रखिएगा और नेल्सन मंडेला के साथ में रहिए। हर साल ये अवार्ड्स और हर साल आप मुझे बुलाते हो, यही मुझे अच्छा लगता है। गदर 2 को लेकर आप कितना एक्साइटेड हो? तारा और सकीना को देखने आप कितने एक्साइटेड हो? यस यस। तो उतने ही हम एक्साइटेड है, बस जितना प्यार आप लोगों ने पहली फिल्म को दिया अगर उतना ही प्यार दूसरे को मिले तो गदर मच जाएगी। नेल्सन मंडेला अवार्ड बहुत प्रभावित करता है हम जैसे लोगों को, अच्छा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, जिनको हमारी ज़रूरत है और ज़रूरतमंद है उनके लिए मैं हमेशा खड़ी रही हूँ। मैं एक पॉलिटिकल घराने से हूँ, मेरे माँ बाप ने हमेशा सिखाया गरीबों की सेवा करो, अच्छा करोगे तभी अच्छा होगा लाइफ में, अच्छा नहीं करोगे अपने लिए जियोगे, अपने लिए खाओगे, अपने लिए मरोगे तो ऊपर वाला भी उतना ही रखता है हर इंसान को। उनके नाम पर एक ऐसा अवार्ड और लोगों को अगर सम्मानित किया जा रहा है तो सोशली उन लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है, और जिन लोगों को डॉक्टरेट से फेलिसिट किया गया वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दे आर गेटिंग ऑनरेरी डॉक्टरेट यू नो फॉर द डिफरेंट फील्ड। तो सोशली कहीं ना कहीं उन लोग को समाज में और एक अच्छा सम्मान मिलता है और हिम्मत मिलती है कि कुछ ना कुछ और अच्छा करें। टू द ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड नाउ टू द अचीवमेंट, आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स एंड एवरी वन हुज सपोर्टेड मी सिंस डे 1 टिल टुडे एंड विल कीप सपोर्टिंग मी अहेड टू वेरी मच अचीवमेंट्स टू कम। कभी कभी कुछ मोमेंट लाइफ के ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे मेरे सोशल एक्टिविस्ट एंड फिल्म प्रोडक्शन के लिए मुझे डॉक्टरेट की जो डिग्री मिली है, ये अवार्ड मिला है, बहुत जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है और मैं आगे भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ लोगों के लिए, बस इतनी हिम्मत आप लोग देते रहना मुझे। सो मच एवरीवन फॉर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज ये नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड मुझे मिल पाया। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा राजकुमार डाक सर का और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उनका, और लास्ट कुछ दिनों से हम लोग डिजिटली वर्क कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को, जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, और अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है तो अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो मैं एक ही चीज़ का मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को, आज सोशल मीडिया जिसको आप सिर्फ स्क्रोलिंग मशीन बना कर रखे हो उसको ATM मशीन में टर्नअप करिए और अपनी एक नई इनकम शुरू करिए और अपने साथ साथ में अपने यूथ को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन नेल्सन मंडेला, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। आज नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड 22 चित्रा आसवाद पाटिल फ्रॉम रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आज मुझे ये अवार्ड मिला है सोशल वर्क के लिए जो कि मैं JEP फाउंडेशन के थ्रू वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ। वुमन एम्पावर्ड होना चाहिए करके बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन थ्रू माय पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड दिस NGO आई एम वर्किंग फॉर एक्चुअल वुमन, जिसके लिए मेरे अंडर रूफ 250 SJG ग्रुप है जिसमें 3,000 to 4,000 वुमन हैं जिनके लिए एक्चुअल में महाराष्ट्र शासन के जो टेंडर प्रोसीजर्स रहते हैं उनको फॉलो करके उनको एक्चुअल प्रोसीजर में लाके उनको एम्पावर्ड करने का काम किया है, जिसके वजह से 3,000 to 4,000 लेडीज़ जो है जो SSG के ग्रुप में है वो एक्चुअल एम्पावर्ड है, उनको जो उनका जो मुकदला जो रहता है वो भी हमारे फाउंडेशन के थ्रू दिया जाता है। सो आई एम वेरी प्राउड आज के लिए मुझे नॉमिनी किया गया है और ये अवार्ड दिया है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है आशीष अशोक तारीकर, मैं शुक्रगुजार हूँ नेल्सन मंडेला नोबेल प्राइज अवार्ड एकेडमी का। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड बिजनेस आइकॉन अवार्ड से नवाजा। मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरे टीम के लिए, मेरे पूरे मेंबर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, सबको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करके मैं अपना खुद का अर्निंग बढ़ाऊँ और आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे अवार्ड लूँ, इसके लिए मैं सभी को। स्पेशली वी हैव ट्रीटेड मोर देन 4 million टन्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्री विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर करंट जनरेशन एंड ऑल्सो फॉर फ्यूचर।